सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के बारे में, जो कि Redmi की तरफ से लेटेस्ट और अपकमिंग डिवाइस होने वाला है। अब यहां पर Redmi Note 9 Pro इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के थर्ड वीक पे। तो बहुत ही जल्दी हमें Redmi Note 9 Pro इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह भी कन्फर्म हो चुका है कि Redmi Note 9 Pro के अंदर हमें डुअल 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइसिंग में, मतलब कि बजट रेंज में। तो क्या इंटरेस्टेड है Redmi Note 9 Pro को लेकर के? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अगर बात करते हैं Redmi Note 9 Pro के लेटेस्ट स्पेक्स के बारे में जो कि हमें हाल ही फिलहाल में देखने को मिला है, अगर बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 6.7 इंच के साथ आने वाला है। फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, सुपर एमोलेड का पैनल, और यार ये डिस्प्ले एक फुल व्यू डिस्प्ले होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया था, जहां पे सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है जो कि डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। बात करते हैं रैम के बारे में तो 6GB 64GB और 6GB 128GB और 8GB 256GB का रैम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी कन्फर्म हो चुका है कि Redmi Note 9 Pro के अंदर हमें NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये फोन आने वाला है Android 10 के साथ, जहाँ पे MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं कैमरे के बारे में तो पैंटा कैमरा सेटअप हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, और सेकेंड कैमरा होने वाला है 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और थर्ड कैमरा होने वाला है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और फोर्थ कैमरा होने वाला है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फिफ्थ कैमरा होने वाला है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में तो फ्रंट में देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा। अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में तो 5200mAh का बैटरी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल बैटरी है और 50W के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है, जहां पे टाइप सी पोर्ट 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में तो Redmi Note 9 Pro का प्राइसिंग होने वाला है इंडिया के अंदर 16 से 18 हज़ार रुपये के रेंज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था। तो यार इस फ़ोन का प्राइसिंग फिक्स हो चुका है, अगर आप लोग वेट करना चाहते तो इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइसिंग बहुत कम है। अगर बात करते हैं रिलीज डेट के बारे में तो Redmi Note 9 Pro का रिलीज डेट होने वाला है इंडिया के अंदर जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के थर्ड वीक पे। अब इस फ़ोन का रिलीज डेट भी फिक्स हो चुका है, अगर आप लोग वेट करना चाहते तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि Redmi Note 9 Pro बहुत ही जल्दी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।